हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस बड़ी सी दुनिया के छोटे से कोने टेक्नोब्रो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विशाल कुमार और आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर। जी हाँ दोस्तों, सोलर चार्ज कंट्रोलर दो तरह का होता है, MPPT और PWM। दोस्तों MPPT का बात करें, सबसे पहले बात करें कि सोलर चार्ज कंट्रोलर करता क्या है। सोलर चार्ज कंट्रोलर आपका बैटरी का उम्र बढ़ा देता है। बताइए कैसे, कि क्योंकि आप जब सोलर से दो तार आप बैटरी में जोड़ते हो तो वो सोलर का एनर्जी कभी ऊपर नीचा करता है धूप के अकॉर्डिंग, और इससे आपका बैटरी में जरब पड़ता है। उसी जगह अगर चार्ज कंट्रोलर बीच में लगा देते हो तो वो क्या करता है कि उस चार्ज को कंट्रोल करके बैटरी तक पहुंचाता है। तो सेम वे में यहाँ पे हमारे पास दो तरह का कंट्रोलर होता है, एक होता है MPPT और दूसरा होता है PWM। PWM बहुत ही सस्ता में मिल जाता है, जहां की MPPT का बात करें तो वो आपको 4 गुना ज्यादा पैसे लग सकता है उसको खरीदने में। तो जैसे कि जिस भी एम्पियर का PWM कंट्रोलर लेते हो, अगर वो 800 रुपए में होता है तो जरूर है कि वो 4000 के करीब में हो जाएगा आपको MPPT। मैं कंफर्म एग्जैक्ट दाम नहीं बता सकता क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है। तो दोस्तों MPPT क्या करता है कि जब भी आपको चार्ज आता है उसको बढ़ा करके रेगुलेट करके उसको बैटरी तक पहुंचाता है, जिसके कारण बैटरी का तो उम्र अच्छा रहता ही है। कंट्रोल्ड चार्ज तो मिलता ही है, बट उसको जल्दी चार्ज करने में ज्यादा सुविधा होता है, वो जल्दी चार्ज हो जाता है क्योंकि उसे चार्ज बढ़ा कर दिया जा रहा है, मतलब एक्सलरेट कर दिया गया उसका चार्ज को। और वहीं PWM का बात करें तो PWM चार्ज को घटा देता है दोस्तों, लेकिन उसे भी कंट्रोल करके वो देता है। जैसे मानकर चले अगर धूप कम है तो उसी जगह MPPT कम धूप में भी अच्छा चार्ज कर सकता है, वहीं PWM उस तरह का एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा। तो बात है इन दोनों का एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी MPPT में ज्यादा है, PWM में कम है। और MPPT में वारंटी ज्यादा मिल सकता है, गारंटी ज्यादा मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है पैसे ज्यादा लग रहे हैं, और PWM में पैसे कम मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक PWM का सोलर चार्ज कंट्रोलर लाया है, उसे मैं फिक्स करके लगा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सोलर चार्ज कंट्रोल करना है क्योंकि बैटरी का उम्र ज्यादा हो जाए। जैसा बजट वैसा काम करो। वैसे इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो पसंद हो MPPT या PWM उसे आप खरीद सकते हैं। मैं फिलहाल अपना प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यह है प्रोडक्ट, इसका मैं आपको रेट दिखा देता हूँ कि मुझे कितना पड़ा। भाई इस पे लिखा हुआ है कि नहीं पता नहीं, तो मुझे 800 के लगभग लगा है, 800 से थोड़ा 20 रुपए कम। ओके, मैंने इसे कट कर दिया और इसे मैं बाहर निकालता हूँ, डैमेज प्रोडक्ट ना मिले अमेजन से। फिर मैं कहना चाहूँगा कि इसका प्रोडक्ट का पैकेजिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो भाई, एक प्रोडक्ट मिला था जो कि डैमेज मिला था। यह MRP ये 3000 लिखा है, बकवास, इस पर भरोसा नहीं। MEC स्मार्ट इस कंपनी का मैंने देखा था, बहुत रिसर्च किया था, उसके बाद मैंने लिया है। अब इसे खोलते हैं। या 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर तक का है। तो गाइज मैंने जो ऑर्डर किया था, पहले 10 किया, उसके बाद मैंने उसे ऑर्डर कैंसिल किया, फिर मैंने 20 को किया, क्योंकि मुझे लगा कि 20 का ले लेंगे तो उसके अंदर का जितना भी है सारा सपोर्ट इसमें आसानी से करेगा। तो ये डब्बा, इसका पैकिंग ठीक है, डब्बे का पैकिंग ठीक है कि बिल्कुल जेन्युइन है, अंदर से आपको बिल्कुल सील के अंदर है। और ये है आपका पेपर, जो भी इसको पढ़ना है, जो भी गाइड है, जो भी मिलाना है इसको, इस पे मीटर है, जो भी चीज़ें कैसे मिलाना है वो सब इसके अंदर है लिखा हुआ, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। अब हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत है, फिनिशिंग बहुत सुंदर है, मजबूती का भी ध्यान दिया गया है इसमें। और देखा जाए तो यहाँ पे आपको सारे इनपुट इधर जा रहे हैं, और यहाँ से आपको पेच है जिसको कि टाइट करके इसको जाम किया जाएगा यहाँ का वायर को। तो अभी आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 बटन है जिसको कि इसको चलाने में कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ 2 USB पोर्ट भी दिया गया है ताकि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या फिर USB का जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 2 पॉइंट दिया गया है लोड के लिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट सोलर से अगर कोई बल्ब चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, जैसे डायरेक्ट DC करंट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका फिनिशिंग बहुत ही तगड़ा है। ओके, रेटेड है, यहाँ पे रेटेड करंट है 20 एम्पियर का, ऑफकोर्स मैंने 20 एम्पियर का ही ऑर्डर किया है, 260 वाट। ओके गाइज, मैं इसे सेट करने के बाद मैं फिर से दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तब तक के लिए आप
सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे वीडियो को। मैं अक्सर अपना मीटर को बंद रखता हूँ, कारण है हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर जब से आया है तब से मैं अपना बैटरी को अक्सर सोलर चार्ज से कंट्रोलर के द्वारा सोलर पैनल से चार्ज करता हूँ। और हमारे पास जो इन्वर्टर है लीव फास्ट का है, मैं किसी इन्वर्टर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा मैं आपको हमेशा कहूंगा कि इन्वर्टर हमेशा साइन वेव का लीजिएगा, साइन वेव टेक्नोलॉजी है कंपनी कोई भी हो। तो अभी मेरे पास ल्यूमिनस का इन्वरलास्ट कंपनी का ये बैटरी लगा हुआ है, इस पे हमारा सोलर का तार आकर के लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सोलर से ये नहीं आया है। अब हम देखेंगे अपना प्रोडक्ट की ओर। तो ये रहा हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि सेट हुआ पड़ा है। यहां पे दो तार आया हुआ है जो कि सोलर से डायरेक्ट आया है, वो आके पीछे इसमें यहां से लग चुका है और ये हीट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फुल चार्ज हो चुका है इसलिए ये कंट्रोल कर रहा है इसे। तो और ये दो जो है दो तार जो गया है ये बैटरी में गया है, एक ब्लैक में चला गया है, इसमें गया है। अगर आपके पास कोई डीसी पंखा है या बल्ब है तो उसे भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट चले। और आपके पास मोबाइल चार्ज करना है तो ये सब पॉइंट है। और आपको यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है कुछ बटन्स, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि फुल्ली चार्ज है। ये यहाँ ब्लिंक करता है, ये भूख भाग करता है, ये वाला तीर जैसा जो निशान है ये फुल्ली चार्ज है। मैं इसे खपत नहीं कर रहा हूँ अभी बैटरी को इसीलिए। अलावा मेरा इन्वर्टर ऑन है, बल्ब भी हमारा ऑन है। और कहा जाए तो सोलर चार्ज कंट्रोलर का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये कंट्रोल्ड चार्ज देता है जिससे कि हमारा बैटरी कभी खराब नहीं होगा, ओवर चार्ज नहीं होगा, रात के टाइम में चार्ज को बैक नहीं जाने देगा, ये फुल्ली कंट्रोल करेगा, इसी जगह कंट्रोल होएगा। तो जल्दी से जल्दी इसी जगह आप थम्स अप वाला बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि मैं आपके लिए लाता रहूं एक से एक बेहतरीन वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय दोस्तों।